भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर के इंग्लिश फरक्का में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना में 20 बीघा जमीन में लगे गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के बारे में लोगों को जब तक पता चला तब तक आधा से अधिक गेहूं की फसल जल चुकी थी। इधर लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, लेकिन घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। तब तक आग ने भयावह रूप ले लिया। करीब 20 बीघा में लगा फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गया। स्थानीय सूरज ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, लेकिन 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इधर लेट से पहुंचे फायर ब्रिगेड टीम के खिलाफ लोगों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो शायद इतने फसल का नुकसान नहीं होता। स्थानीय महिला ने बताया कि 11,000 पावर वाली बिजली की तार खेत में गिरने के कारण आग लगकर इस हादसे में करीब 20 परिवार के जमीन पर लगे 20 बीघा में फसल पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटनास्थल से सटे घर बनाकर रह रहे 5 परिवारों के घर भी पूरी तरह से जल गए हैं। बिजली के लचर पे व्यवस्था से आग लगी है, बिजली के तार गिरने से आग लगी है। तो आग लगने की सूचना आपको कैसे मिली? ग्रामीणों ने आग लगने का सूचना दिया, उस पर आए शासन प्रशासन की लापरवाही भी रही और बिजली का तार का यहाँ शुद्ध नहीं है। तो अंचलाधिकारी सबौर से आए, आपको कुछ आश्वासन दिए? कोई आश्वासन नहीं दिए, वो लोग मात्र देखे हैं और घूम रहे हैं, लेकिन अभी कोई आश्वासन दिया नहीं। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पवन यादव को किसी अननोन नंबर से धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है। फोन पर उनसे 50 लाख का डिमांड किया गया है, साथ ही पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। वही इसको लेकर भाजपा नेता ने पुलिस से मामले में शिकायत की है। रिसेंट बिहार से बातचीत में विधायक ने कहा कि सुबह 10:57 पर उनको एक अनजान नंबर से कॉल आया और कहा कि सतीश यादव तुम्हारा कौन है। विधायक ने कहा कि सतीश यादव मेरा बेटा है। उधर से धमकी दी गई कि 50 लाख रुपए दे दो नहीं तो बेटे को मार देंगे। वही मामले में एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जो जांच में जुट गई है। पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कहना मुश्किल है, हमारी टेक्निकल टीम जांच कर रही है। वही एसएसपी ने कहा कि विधायक की सुरक्षा का आकलन किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। कितना का मांग किया? 50 लाख। मान लीजिए वो पहले नाम पूछा कि मैंने मेरा बेटा का, उससे बोला पहले मुझे 25 कौन है मेरा बेटा है। इसकी कंप्लेन पुलिस को, थाना प्रभारी को पहले कहलगांव फोन किए, उसके बाद डीएसपी साहब को किए, सब जगह जानकारी दी है, बोले कि आवेदन दीजिए, वो आवेदन दीजिए। कौन सा नंबर से कॉल आया था? नंबर था +92348674773 नंबर। आज हम लोग 3-4 सभी लोग बैठे हुए थे और अचानक जो है 10:57 में कॉल आया, तो हम लोग तो किन्हीं का फ़ोन आता है तो हम लोग डायरेक्ट तुरंत उठा लेते हैं, देखते भी नहीं कौन है क्या है। पूछा उधर से कि प्रत्युष पवन कौन है, तो हम बताएं मेरा बेटा है, तो फिर गाली गलम करने लगा, बोला कि तुम्हारा भी जान मार देंगे और उसका भी जान मार देंगे। बोले भाई क्या बात है बताइए, तो उल्टा पुल्टा बोलते रहा जो उसको मन में आया। हमने कहा कि इस तरह क्यों बोल रहे हैं, फिर बोला साला 50 लाख रुपया लेगा, साला जान मार देंगे तुम। तो अपना कुछ नाम भी बताया वो? नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट वो पूछा कि भाई प्रतीश पवन कौन है, तो बोले उसने कोई परिचित आदमी होगा पूछ रहा है, तो हमने बताया कि मेरा लड़का है। 50 लाख का जो बात किया वो क्या कहीं देने पहुंचाने? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो डिस्कशन हम करने लगे ना, कहा ऐसा बोल रहे हैं क्या बात है, तो फिर हम कट कर दिए, हमको लगा कब देखें ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, इसके कोई लिखित सूचना आप तक थाने में? नहीं, कहलगांव थाना प्रभारी को भेजे हैं,
डीएसपी साहब को फोन कर दिए हैं, बोले इसको जांच कीजिए, इस तरह की घटना अगर हो रहा है तो। उस नंबर से इससे पहले भी कोई कॉल वगैरह आया? नहीं नहीं, भागलपुर पुलिस बल में एक ऐसा जवान है जो सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीद कर हेलमेट बांटते नजर आता है, जिसे लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। मूल रूप से बांका निवासी, भागलपुर पुलिस बल में कार्यरत धनंजय कुमार भागलपुर के जीरो माइल चौक पर पिछले कई वर्षों से ड्यूटी कर रहे हैं। वे बिना हेलमेट पहने चालक और उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों को अपने पैसे से खरीद कर हेलमेट देते नजर आते हैं। इस दौरान पुलिस जवान धनंजय ने बताया कि उसके पड़ोसी युवक की मौत बाइक से दुर्घटना में कई वर्ष पहले हो गई थी। पड़ोसी युवक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और उस दिन से उसने लोगों को करने के लिए ठाना है। वहीं भागलपुर पुलिस के जवान धनंजय कुमार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोग जमकर तारीफ करते दिख रहे हैं। देखिए सर, मैंने 2013 में नौकरी ज्वाइनिंग किए थे और तकरीबन 2 या 2.5 साल के बाद हम अपने पड़ोसी जो एक लड़का अभी जो कंपनी चल रहा है जैसे कि RCM ये सब में, उसमें वो काम करता था और वह लड़का हेलमेट नहीं पहना था और एक्सीडेंट होकर के वो डेथ कर गया। ठीक है, उसी दिन से हमको लगा कि नहीं, हेलमेट जो है पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम मैंने 2018 से ये हेलमेट बांटना चालू किया हूँ, है ना, कि ताकि अगले आदमी जो है उनका भी घर परिवार जो है घर में उनको उनका बाल बच्चा याद करता है कि मेरा पिताजी आएंगे, मम्मी आएगी। हेलमेट रहने के बाद ऐसे घटना होने से वंचित रहता है लोग, और हो सकता है तो हॉस्पिटल जाते जाते वह किसी न किसी रूप में बच जाता है। अगर जो लड़का या पुरुष हेलमेट नहीं पहनते हैं उनका जो है कि हम देखे हैं कि क्लाउड डेट हो जाता है या तो हॉस्पिटल जाते जाते वह है ना।